तोर जन्म पहले से तोके मैं चुनालो तोर आयो कर कोरा से तोके मैं बुलालो तोर जन्म पहले से तोके मैं चुनालो तोर आयो कर You know, as strength experience, you know, not only a good record, but even the good work you get to fulfill them. Yeah.
अभिषेक के उम्मीदवार सरे अशित टप्पो, माता पिता, भाई बहनों, और आज इस समारोह के लिए एकत्रित सभी माता पिता, भाई और बहनों, बेटे बेटियों का वरदान है। ऐसे अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये भी याद करें और सिक्की का मान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद देते हुए हम इस ध्यान में प्रवेश करने के लिए अपने को तैयार करें। ईश्वर की कृपा से हम इस समारोह में समारोही विषय में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। इसलिए क्षण भर हम मौन रहकर ईश्वर के साथ हम वार्तालाप करें और अपने को उसके योग्य बनाने की कृपा मांगें। सामूहिक पश्चाताप के रूप में हम दया अर्चना भजन भक्ति के साथ गाएं। Thank you.
मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा और पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
के अंग हैं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर मसीह के अंग है जो आपने को प्रभु से मिला देता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता, ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। या प्रभु की वाणी है। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार या विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया। सुसमाचार है क्रिस्ट यीशु। सदे फादर विलियम किर्की। प्रिय पुरोहित बंधुओं, धर्म संघियों, भावी पुरोहित अशित टोप्पो, उनके माता पिता, सगे संबंधी और शुभचिंतकगण, भाई बहनों और बेटे बेटियों, का दिन है लेकिन हम प्रभु का दिन का पाठ को छोड़ करके हम अशित को ही चुनने बोले, अपने चुन लिया है और हमें दिया है। इन पाठों में पुरोहिती उम्मीदवार के जीवन और उनकी बुलाहट के तत्व मौजूद हैं, इसलिए मेरा विश्वास है कि इनकी व्याख्या भी वे अंतरंग तरीके से कर सकेंगे। आज के बाद यह काम अर्थात प्रभु यीशु में सुनिश्चित मुक्ति संदेश की उद्घोषणा न केवल आधिकारिक और तौर पर करते रहेंगे बल्कि यह उनका दायित्व भी होगा। शायद ही कोई पुरोहिती उम्मीदवार हो जो अपनी बुलाहट की जवाबदेही से कभी ना घबराए
आज के पात्रों में ऐसे डर और चिंता को स्वाभाविक माना जाता है, स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि ये सच्ची विनम्रता के लक्षण है। प्राचीन इसराइली जाति दो बार गुलामी के बंधन में जकड़ी गई थी। पहली बार मिस्र देश में और दूसरी बार बबिलोन में। हमारी इस पाठ का प्रसंग बबिलोन की दासता से संबंधित है। मनुष्य की विनम्रता को ईश्वर अपनी कृपा से इतना लबालब भर देता है कि कोई कमी नहीं रह जाती है। दूसरी बार दासता के फंदों में जकड़ी गई प्राचीन इसराइली जाति को सांत्वना देते हुए और उनसे मुक्ति की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए नबी ईसाईस के शब्दों में ईश्वर कहता है, क्या कहता है हम सुने। ईश्वर कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के बदले राष्ट्रों को देता हूं। इस पुरोहित अभिषेक समारोह में सहयोग करने वाले कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवाओं और धर्म संघ की बहनों का भी मैं बहुत आभारी हूं। अंत में मैं आप सब पर माता मरियम की मध्यस्थता, प्रभु के सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस और प्रभु की सेविका माता मेरी बर्नादेत किस्पोट्टा की प्रार्थना और ईश्वर की भरपूर आशीष की कामना करता हूं। अधिकारी नाम लेकर बुलाएंगे और उम्मीदवार प्रस्तुत हो कहकर अपनाई पर्वत पर मूसा को बुलाया था, उसने उत्तर दिया था, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने बालक सामवेल को मंदिर प्रोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े।
चुके हैं, अब माता पिता रिश्तेदार संबंधी अपने प्यारे बेटे को ईश्वर के प्रतिनिधि माध्यमाध्यक्ष कार्डिनल टेलेस्फोर की टोपो के हाथ में सौंप दिए हैं। माता पिता अपने प्रिय बेटे पुत्र को ईश्वर एवं कलीसिया की सेवा के लिए जीवन भर के लिए सौंप दिए हैं। एक माता पिता द्वारा अपने को समर्पण और बलिदान कितना अद्भुत है। महामान्य पिता से प्रदान करें, क्या आप पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर रखने की दाता ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, और थोड़ा जोर से ताली बजाएं। अशीत टप्पो को पुनः अभिषेक दिया जा रहा है, ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुनिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुनिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को इसीलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों का कार्य कर सके जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है, और इस प्रकार अपनी धन सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सके। इस भाई को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे वे सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के समरूप बनने की साधना करते रहें और धर्मदर्शन की पुरोहिताई से सिद्ध रहकर सुसमाचार का प्रचार करें। ईश्वर की प्रजा पद प्रदर्शन करें, ईश्वर की प्रजा का पद प्रदर्शन करें, और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। आपको अपूर्ण अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का निमित्त कार्य कर सके जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं उसे सबको सिखाइए। धर्म का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखाए, और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा, आचरण द्वारा विश्वासों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा करीब संयुक्त रहकर आप पवित्र मिशा के मिशा में पुरुष का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं, अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए।
बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना। पार्षद का संस्कार में ख्रिस्त तथा परीसा के नाम पर पाप क्षमा करना। विवेकपूर्ण संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल परीसा के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और दिव्य चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए राधे प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रिस्त रोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रिस्त की ही सेवा करते रहिए। पुत्र आपको ख्रिस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रिस्त के द्वारा जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जकीर से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। हम आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कहते हैं। कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना योगी बनकर फिर आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य यज्ञ रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिशा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च ईश्वर ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं ने आपने यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है वही उसे पूरा करे। मसीही माता पिता भाई और बहनों, डीकन अशित टोप्पो धर्माध्यक्ष के सामने अतः ईश्वरीय कृपा और शक्ति की आवश्यकता है। जमीन में मुंह और पेट के बल लेट जाते हैं। ये दीनता, नम्रता
और कमजोर होने के चिन्ह हैं। Hey
माता विनती कर, हमारे लिए विनती कर, संत मग्दलेना विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं, हमारे लिए विनती कर, स्वर्ग विराजित सब संतों, परमेश्वर का हम पर दया कर, जग के पाप तू हर लेता, संत फ्रांसिस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत आग्नेस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत गाता विनती कर, मग्दलेना विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं, हमारे लिए विनती कर, स्वर्ग विराजित सब संतों, हमारे लिए विनती कर। हे मेरा परमेश्वर का के पाप तू हर लेता, हमारी विनती पूरी कर। हे शरणाय शरणा हमारा बल, परीक्षा के भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन, उसे सत्य की हम कितने भरोसे के साथ मांग रहे हैं, उन्हें प्राप्त कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के प्रस्तुत करते हैं, इन पर हमारे प्रभु क्रिस्ते आत्मा सातो दान्तु परसा
प्रभु का आत्मा हृदय में तो बस जाओ मुक्ति दाता प्रभु का आत्मा हृदय में तो बस जाओ हे प्रभु पवित्र आत्मा इस धरा पे उतर आओ हे प्रभु पवित्र आत्मा सातो जानतो बरसाओ शक्ति दाता पावन आत्मा शक्ति दाता पावन आत्मा शक्ति मुझ में भर दो शांति दाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ शांति दाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ हे प्रभु पवित्र आत्मा इस धरा पे उतर आओ हे प्रभु पवित्र आत्मा सातो दान तू बरसाओ पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दान का प्रदाता है तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है तू अपने पुत्र ऋष के सेवकों को आत्मा के सामर्थ्य से विविध श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है पुरानी विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई इस तरह तूने जनता के शास्त्र और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इसराइली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया मनोभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इसराइली जनता का शासन कर सके तूने समस्त पुरोहितीय अधिकार हर के पुत्रों को प्रदान किया इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे जो भावी कृपा दान को सूचित करते थे हे पावन पिता जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने उन्होंने पिता आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया इन प्रेरितों को
उन सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सभी प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। कि सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने इस दास को अशित टोपो को रोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में प्रगतता का आत्मा भर दे, उसे दिव्य श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर, ये अपने सनातन द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले, ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी पुरोहिताई तथा मेरे आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले पूरे और पृथ्वी के सीमांतों तक फैले जाए। ये हमारे साथ संस्कारों के विश्वास प्रदाता बने, इस तरह तेरी प्रजा नवजन के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूकरिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, आप उनकी क्षमा प्राप्त करें और रोगावस्था में सांत्वना पावे। ये दयामय प्रभु या नया पुरोहित अशित टोपो हमारे साथ अपने रेवंट और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इस तरह सब राष्ट्र के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और सर्व राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु अवधे पुत्र सुखी के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ तथा पिता आत्मा की एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष टेलेस्फोर पी कार्डिनल टोपो के अभिषेक की प्राप्ति पुरोहित बन गए हैं, अब उन्हें पुरोहिती परिधान पहनाया जाएगा। तिरछा पहन रहा था, अब सीधा पहनेंगे। स्टोल पुरोहिती कार्य और सेवा भार का चिन्ह है, ये क्रूस का प्रतीक भी है। हर संस्कारी अनुष्ठान में पुरोहित अपने कंधा में स्टोल रखता है, उत्तरासन अर्थात ध्यान है, जो ख्रीस्त का प्रतीक है। इसे पहनकर वह मिसा बलिदान चढ़ाता है। हस्ताभ्यंजन पूर्ण परिधान के बाद धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते हैं और नव अभिषेक पुरोहित की हथेली को महाधर्माध्यक्ष पवित्र तेल से अभ्यंजित करेंगे। हथेलियों का मलन का अर्थ है अब डीकन आश्रित टोपो सिर्फ ख्रीस्त के लिए हो गया है और यीशु के लिए जिएंगे और मरेंगे। इन्हीं पवित्र हाथों से पवित्र मिश्रा चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से पाप क्षमा करेंगे, संस्कार का अनुष्ठान करेंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभ्यंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त
आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप कृषि प्रजा को पवित्र कर सकें। Thank you.
ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करेगी। हे ईश्वर, तू चाहता है कि पुरोहितगण भक्ति से पूजा पाठ संपन्न करें और तेरी प्रजा की सेवा नम्रता पूर्वक करें। इस पावन बलिदान के फल स्वरूप ये सेवक अपनी परिचर्या द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्धि करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने वेदरात्मा से अभिषिक्त अपने गौते पुत्र को नवीन और अनंत देवस्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिता निरंतर बनी रहे। प्रभु ख्रीस्त निजी प्रजा को याजक के गौरव से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ भ्रातृ प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। ख्रीस्त के नाम पर ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करें, तेरी संतान को पास्ता भोज से पोषित करें तथा अपने उदार सदाचरण से तेरी पवित्र प्रजा के पथ प्रदर्शक होते रहें। उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना दें। ये प्रभु ख्रीस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण निछावर करने से ना हिचकें तथा अटल विश्वास और सच्चे प्रेम में एक स्वर से गाते हैं।
संस्कार को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, उन्हें धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और गुरुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्य टेलेस्फोर के कार्डिनल टोप्पो, बिशप बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, आज विशेष रूप से मैं अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों के लिए और हमारे मृत सभी भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और तुझे समादर तथा महिमा जैसे कि प्रभु यीशु ने सिखाया है। मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त उन अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुज जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जो संसार के पाप हर लेते हैं, पुनर्जीवित प्रभु मार्ग सत्य और जीवन अनंत जीवन की रोटी। धन्य है वे अधन्य है हम जो इस मेहमान के भोज में बुलाए जाते हैं। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। Hare 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 Hare
ग्रंथी हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता महामहिम टेलीस्फोर के कार्डिनल टोप्पो एवं हमारे सहायक बिशप टेलीस्फोर बिलुंग का हम लोग यहीं पर स्वागत करेंगे। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम सबों के लिए प्रभु का वचन है, संदेश इसी भावना से परिपूर्ण होकर हम आज के क्रिश्चियन की अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें हे प्रभु हमारे स्वामी, इस पावन रोटी को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, या तेरे नाम अभिषिक्त पुरोहित अशित टोप्पो तथा इन भाई बहनों को अशित टोप्पो तथा इन भाई बहनों को नमस्कृति प्रदान करें। हम सच्चे प्रेम में तुझसे सदा सहित रहें और तेरी सेवा उदारता से कर सकें। या वरदेव हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा अभी कल से आप सबों को भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को निरंतर सुरक्षित रखे, जिससे आप लोग ईमानदारी से प्रेरित कार्य निभा सकें। ईश्वर करे कि आप दुनिया में दिव्य प्रेम और सत्यार्थ के समर्थक तथा साक्षी बने और मेल मिलाप के विश्वस्त सेवक बने रहें। ईश्वर आपको नए फादर असित टोप्पो को उदार चरवाहे बनने की कृपा दे, जिससे आप जीवन भर रोटी और इस वचन से विश्वासों को तृप्त करें तथा हम सब ख्रिस्त से होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। Thank you.
अभिषेक मतलब है और नव अभिषेक प्रोहित और इस पर्व के सभी विश्वासियों के लिए और सब पापा के मतलब के लिए भी हे हमारे पिता जैसे हम भी अपने कार्यों को क्षमा करते हैं और प्रणाम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो सबको जय शुक। एक बार आप लोग नारा लगाएंगे, बोलिए हमारे कार्डिनल की।